फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, नेगेटिव एनर्जीज़। क्या होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ और इनसे क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके आने वाले कामों में। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमें अपने घर में सफाई करते समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हटा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जीज बिल्कुल भी ना आए। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो निगेटिव एनर्जीज से बिल्कुल दूर रहे, और होना भी चाहिए। तो घर में निगेटिव एनर्जीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सब कारणों के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पॉजिटिविटी को घर में भरने के लिए और नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपने घर में फॉलो करनी होंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं, सबसे पहले ऐसा क्या चीज है जो हमें अपने घर से हटा करके फेंक देना है इस दिवाली, जिससे कि हमारे घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाए और निगेटिविटी घर से दूर चली जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, किसी भी चीज को निगेटिविटी से दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से निगेटिविटी को दूर करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरें, किसी भी चीज़ में कमियां ना ढूंढें, खुशियां फैलाएं, खुश रहें। तो किसी के लिए बुरा आप ना करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। तो आप अगर निगेटिव सोचते हैं तो आपके घर में चारों तरफ निगेटिव एनर्जी जो है वो बनी ही रहेगी, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, आप अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा करिए, तो ऑटोमेटिक ही आपके चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। अब बात कर लेते हैं हम ऐसा घर में क्या करें जिससे कि आपके घर में निगेटिविटी दूर हो जाए और पॉजिटिविटी घर में भर जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी, इस दिवाली अपने घर में किसी भी कोने में जाले ना लगे रहने दें। जाले जो होते हैं वो निगेटिविटी को अपनी ओर खींचते हैं। तो आपको अपने घर के हर कोने से जालों को हटाना है, यहाँ तक कि आपको अपने बेडरूम में, बेड के पीछे, अलमीरा के किनारे पे, ड्रेसिंग टेबल के पास में, या फिर आपके वॉशरूम के गेट के ऊपर, कहीं पर भी आपको जाले नहीं लगे रहने देने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर से जालों को दूर भगाना है, ये भी निगेटिविटी को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके लिए, आपके घर में कहीं पर भी रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने पुराने ज़मानों से आपने सुना होगा कि घर में अगर पुरानी घड़ी रखी है तो कहा जाता है कि बुरा समय जो होता है वो भी रुक जाता है। तो आपको अपने घर में कहीं पर भी रुकी घड़ी, मतलब जो बंद पड़ी है घड़ी, या टूटी हुई है, या कुछ भी ऐसा डैमेज है प्रोडक्ट, तो आपको रुकी हुई घड़ी अपने घर में नहीं रखनी है। अगर अच्छी है तो आप उसमें सेल लगा करके यूज़ करिए, नहीं तो ऐसी चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल फेंकिए। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है टूटा हुआ शीशा। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखना चाहिए, ये भी निगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करता है और घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े और बुरा सा माहौल होता है। तो अगर आपके घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा है, या टूटा मिरर है, या फिर कोई ग्लास टूटा है, तो उसे इस दिवाली अपने घर से ज़रूर निकाल के फेंकें। तो अब बात करेंगे हम चौथे टिप की। चौथे टिप में आपको अपने घर में कहीं पर भी डेकोरेशन का भी टूटा फूटा सामान नहीं रखना है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वाश आपका टूट गया है, फ्लावर पॉट आपका टूट गया है, अब आप उसको मोह के मारे, मतलब बहुत आप प्यार से लेकर के आए थे, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको किसी भी तरह जोड़ जाड़ के रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने घर में टूटा हुआ कोई भी डेकोरेशन का सामान नहीं रखना है, क्योंकि टूटे हुए सामान से आपके घर में निगेटिविटी भरती है और पॉजिटिविटी आने में दिक्कत होती है। तो इस दिवाली आपको अपने घर से जितने भी टूटे खिलौने हैं, टूटा बर्तन है, टूटा ग्लास है, वो सब कुछ अपने घर से बाहर निकालना है। यहाँ तक कि आपके बच्चों के अगर खिलौने भी टूटे हुए हैं तो उनको भी आपको इस दिवाली अपने घर से बाहर निकालना होगा। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पांचवें टिप की, कि आपको अपने घर के छत में कोने जो होते हैं वहाँ पे हमें अपने पुराने कूड़ा, मतलब पुराना टूटा सामान जो कि वेस्ट है, वो नहीं रखना है। जैसे कि लोग अपने इंडिविजुअल जिनका हाउस होता है, मतलब ओन हाउस होता है, वो छत पे जाकर के टूटा चेयर है, टूटा बेड है, टूटा फोल्डिंग है, ये जाकर के वहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं, तो ये काम भी हमें नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे टूटा सामान रखा हुआ है, यूज़लेस है, वेस्ट है, वो आज तक नहीं यूज़ हुआ, आज तक नहीं बना, तो वो अब भी यूज़ नहीं होगा, उसमें जाले लग रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, बारिश हो रही है, भीग रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी निगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके घर में आती है, ऐसी जगहों पे निगेटिविटी भरती है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, अपने छत के कोनों को क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा बनाना है, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी भरती रहे।
नेक्स्ट टिप की बात करते हैं कि आपके घर में पुराने कपड़े तो ज़रूर होंगे। आज से बहुत समय से ये प्रथा चलती चली आ रही है दादी और नानियों के टाइम से कि आपके घर में पुराने कपड़ों को कपड़े में बांध करके बेड के अंदर रख देते हैं, बॉक्स में भर के रख देते हैं। तो आप ये सोचिए, क्या आज तक वो कपड़े आपके घर में कभी यूज़ हुए? नहीं हुए ना, तो वैसे ही वो आगे भी कभी यूज़ नहीं होंगे। आपने सोचा ये कपड़े अब छोटे हो गए हैं, इसको हम रख देते हैं, तो ऐसा मत करिए। जहाँ पे आपने कपड़े ढेर करके रखे, वहाँ पे आपकी निगेटिविटी जो है वो ढेर होना शुरू हो जाती है, वहाँ कभी भी पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाती है। तो आपको अपने घर पर कभी भी कपड़े ढेर करके नहीं रखने हैं। ऐसा करिए, आप अपने जितने भी थोड़े छोटे कपड़े हैं जो आपके यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन्हें आप गरीबों में दान कर दीजिए, बांट दीजिए, जिससे उनकी इस दिवाली भी अच्छी सी निकल जाए और आपके घर में भी पॉजिटिविटी भर जाए, निगेटिविटी दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में पुराने कपड़ों को ढेर करना छोड़ दें और उनको किसी और को दे दें, जो ये कपड़े किसी और के लिए भी यूज़ हो सकें। नेक्स्ट टिप है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी अलमीरा और अपने पर्स को भी डिक्लैटरिंग करना होगा। जी हाँ, आपको अपनी अलमारी में जहाँ की जो आपकी तिजोरी होती है, आप उसमें अपना सामान रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। कि कहा जाता है कि जो लक्ष्मी का वास होता है वो हमारी तिजोरी में ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारी तिजोरी में रहती हैं, जहाँ पर हमारा सोना धन पैसा सोना चांदी होता है वहीं पर लक्ष्मी जी रहती हैं। तो इस दिवाली आपको अपने अलमीरा की ज़रूर सफाई करनी है और जो आपका पर्स होता है उसको भी ज़रूर साफ करिए। उसको हफ्ते 10 दिन में आप ज़रूर साफ़ कर लिया करिए, हफ्ता 10 दिन नहीं तो महीने में एक बार तो आप अपने बैग को साफ़ कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिस्किट खाया, बच्चे को दिया और बिस्किट में ही पड़ा रह गया, तो उससे क्या होता है, बैग में आपके निगेटिविटी बढ़ती जाती है और वहाँ पर पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है। तो इस दिवाली आपको ध्यान रखना है कि अपने बैग को ज़रूर साफ़ करना है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके घर की अलमीरा का लॉक ख़राब हो गया है, काफ़ी दिनों तक वो ऐसी ही चलती रहती है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के लॉक को तुरंत ही बनवाना चाहिए। नहीं बनवा सकते हैं, अलमीरा आपकी ख़राब हो गई है तो उसको आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वो लॉकर ख़राब है, आपका लॉक ख़राब है, तो उसको ज़रूर ठीक करवाइए, इससे भी आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने मंदिर में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी मूर्ति में थोड़ा सा भी खुटका लग गया है या क्रैक हो गया है तो उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपके घर में निगेटिविटी का वास होता है और पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है। तो कभी भी टूटी फूटी मूर्ति को घर में ना रखें, उसको जल में सिला दें या फिर उसको बाहर अपने घर से निकाल दें, ऐसे में आपके घर में निगेटिविटी ही बढ़ती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, आपको अपने घर में मंदिर में दो से ज़्यादा किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी है। जैसे तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति है एक, तो आपने उसकी जगह एक फ़ोटो भी रख ली है, तो उससे ज़्यादा आपके घर में मंदिर में मूर्ति या फिर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। दो से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर एक मूर्ति है एक फ़ोटो है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में दो से ज़्यादा मूर्ति या फ़ोटो एक ही भगवान की नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो नेक्स्ट और लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपने घर पे कभी भी कैक्टस का पेड़ को एज आ शो पीस नहीं रखना चाहिए। जिसमें कांटे होते हैं उसमें कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है, आप खुद सोचिए। तो चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर आपका रियल प्लांट हो, आपको कैक्टस के पेड़ को अपने घर में एज आ शो पीस नहीं रखना चाहिए। ऐसे में भी आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं आती है, सिर्फ वो निगेटिविटी को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको अच्छे प्लांट्स रखने हैं, आप पाम ट्री रख सकते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, उसको आप अपने घर में सजा सकते हैं। तो कभी भी आप कैक्टस के प्लांट को अपने घर पर ना रखें, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी की कमी हो जाएगी। मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ सकती है, निगेटिविटी दूर हो सकती है, आई होप आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा इस दिवाली। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, जिससे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो इस दिवाली, वो भी बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपने घर में ला सके और निगेटिविटी को घर से दूर कर सके। तो सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।